ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 13 अगस्त के ईश्वरवदान की। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अपना स्वराज्य अधिकारी बने, मतलब कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल रहे। लेकिन किसका किसके ऊपर कंट्रोल रहे हमारे केस में, ये आज हम समझेंगे और इसका फायदा क्या होता है। तो परमात्मा कहते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले। कर्म इंद्रियां क्या है? कर्म करने वाली इंद्रियां, जैसे ये मुख से आपसे बात कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, समझा रहा हूं, आंखों से भी कर्म हुआ, मुख से भी कर्म हुआ, कानों से सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे, कर्म कर रहे हैं आप। और फिर खाना पीना ये अलग चीज होगी, त्वचा में स्पर्श ये अलग चीज होगी, ये भी हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम आत्माएं अपने आप को इस धरती पर आकर के एक्सप्रेस करती हैं। अगर ये शरीर ना हो तो हम एक्सप्रेस ना कर पाए। तो ये एक्सप्रेशन का, सिर्फ ये एक्सप्रेस करने का एक हमारा एक जरिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पुतला है बस। लेकिन अगर हम इस पुतले को ही स्व मान लें, इस पुतले को ही मैं मान लूं, मैं हूं ये पुतला, तो गड़बड़ जाती है। फिर क्या होता है? फिर जो अंदर बैठा हुआ जो मालिक है आत्मा, वो कंट्रोल में नहीं रहता है। फिर आंखें कुछ देखती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, मुख कुछ और बोलता है, और इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे के सारे जो मंत्री हैं वो राजा, आत्मा राजा की बात मानते नहीं है, और आज दुनिया में यही हो रहा है। तो आत्मा को कंट्रोल करने वाली आंखें हो गई, आत्मा को कंट्रोल करने वाले कान हो गए, आत्मा को कंट्रोल करने वाले मुख हो गया है, आत्मा को कंट्रोल करने वाले जबान हो गई, आत्मा को कंट्रोल करने वाला त्वचा हो चुकी है, जिस कारण से हर कोई आज अधीन हो चुका है। और कोई भी जब तक ये अधीनता से मुक्त नहीं होगा, अपने आप को आत्मा समझ करके, तब तक वो मुक्ति में जा नहीं सकता है। बहुत सिंपल है, लेकिन ये ज्ञान किसी भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, अकाल तख्त को सो दिल तख्त नशीन भवा। अकाल तख्त, अब ये मेरा अकाल तख्त है, आप सुनने वाली आत्माओं का अकाल तख्त यहाँ पर है, क्योंकि आत्मा को काल खा नहीं सकता। तो ये हमारा तख्त है जहां पर हम आत्मा बैठ करके इस शरीर को चला रही हैं। और भगवान का परमात्मा अकाल तख्त ऊपर परमधाम में है, और जब वो आते हैं और ब्रह्मा के तन में बैठते हैं, तो कुछ समय के लिए उनका अकाल तख्त ब्रह्मा का शरीर के मध्य में आ जाता है, और फिर वो अपने वापस ओरिजिनल अकाल तख्त में वापस रिटर्न कर जाते हैं। हाँ, हमने एक छवि बनाई हुई है गुरुद्वारा, हमारा जो गोल्डन टेम्पल है वहां पर हमने एक अकाल तख्त, वहां पर भी हमने समझा हुआ है, वो उनके उस अकाल तख्त की एक पहचान है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं। मैं अपने को क्या समझू, मैं एक अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं, मुझे काल नहीं खा सकता, ये शरीर अभी मेरा एक टेम्पररी तख्त है, और मैं अकाल तख्त पर बैठ करके इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली आत्मा हूं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूं, कि मैं राजा यहां बैठ करके जो देखना चाहूं वो देखूं, जो ना देखना चाहूं वो ना देखूं, जो सुनना चाहूं वो सुनूं, जो ना सुनना चाहूं वो ना सुनूं, अच्छा भला बुरा इसमें मैं अंतर करके मैं आत्मा डिसाइड करूं, सुनना ना सुनना कि नहीं सुनना है, बोलूं या ना बोलूं। तो इन चीजों से ऊपर रहना, इसको कहते हैं उपराम, इन अवस्थाओं की नीची नीची छोटी छोटी बातों से, किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, उन बातों से ऊपर रहना कहते हैं उपराम अवस्था। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी, कर्मचारी कहो या वजीर कहो, सारे के सारे जितने भी होते हैं ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। तो ये हमारे क्या हैं? कर्मचारी हैं। ये हमारे क्या हैं? मिनिस्टर्स हैं। क्या ये मिनिस्टर्स मेरी बात सुनते हैं, बात मानते हैं? कि मैं आत्मा अगर अभिमान में आ गई तो ये सारे के सारे अभिमान ही दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आत्मा अगर शांत स्वरूप है तो ये अभिमान दिखा नहीं सकते, क्योंकि मैं अंदर कुछ बाहर कुछ, ये होना गलत हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, ऐसे तख्त नशीन बनने से यह कर्मेंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं, मतलब कि जो यहां बैठ करके अपने को आत्मा समझ करके, मैं आत्मा हूं, मैं आंखों से देख रही हूं, आत्मा मैं कानों से सुन रही हूं, और जो सुन रही हूं उसके हिसाब से मैं निर्णय कर रही हूं, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, जो देखा उसके हिसाब से सत्य क्या है, सत्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये निर्णय मैं अपने अंदर ही कर रही हूँ बुद्धि के अनुसार, मैं आत्मा, तो मैं राजा बन गई। लेकिन आंखों ने कुछ दिखाया उसको सत्य मान लिया, लेकिन वो सत्य नहीं था। कानों से कुछ सुना उसको सत्य मान लिया, अच्छा ऐसे बोला उसने, सत्य नहीं था। मुख से कुछ बोल दिया आपने तो ये गलत हो जाता है। इसका मतलब कि इन्होंने आपको धोखा दे दिया। तो परमात्मा कहते हैं, जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है, मतलब कि जो सोल कॉन्शियस रहते हैं, आत्मा विमान में रहते हैं और इनके कंट्रोल में रहते हैं, वो परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं, उनके दिल में रहने वाले बन जाते हैं। लेकिन जो इनके ऑर्डर में चल रहे होते हैं और गलत कर्म करना शुरू करते हैं, वो आत्मा तख्त वाली आत्माएं परमात्मा के दिल तख्त पर बैठ नहीं सकती है। फिर वो कहते हैं, आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से
बाप ही याद आता है। तो आप दिन भर अपने को कितना आत्मा समझते हो, कितने अपने आप को आप बिंदु आत्मा समझते हो, शरीर से अलग हूँ मैं, माँ का रोल या भाई का रोल या बहन का रोल कर रही हूँ, लेकिन मैं हूँ एक्चुअली आत्मा जो कि ये रोल निभा रही हूँ। रोल अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। तो मुझे रोल के अनुसार अपनी आत्मा सोल में मुझे मोह के संकल्प नहीं लाने हैं, मुझे लोभ के संकल्प नहीं लाना है, मुझे घृणा के संकल्प नहीं लाना है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। वो जो रोल है वो अलग है। तो मुझे रोल कैसे निभाना है, बिना घृणा, बिना नफरत, बिना आलस्य, बिना विलापन, बिना मोह के। क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है, फिर ना देह है ना देह के संबंध है। आत्मा समझ लिया तो ना देह रही, ये देह मेरी नहीं है, इसमें कुछ अगर बीमारी आ रही है तो देह को बीमारी आ रही है, मुझको बीमारी नहीं है। ना पदार्थ याद आएंगे, कोई सी पदार्थ को कोई नुकसान हो गया तो हाय तौबा नहीं करेंगे आप, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मेरी उन पदार्थों से मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, उन पदार्थों होने ना होने से मेरी कोई इज्जत नहीं बढ़ जाती है, उसको कुछ हुआ कोई खराब हुआ तो मेरी इज्जत गिरती भी नहीं है। ये चीज समझना बहुत आसान होता है, इसको कहते हैं डिटैच करना। और हमें हर दिन अपने आपको ऐसे डिटैच करना जरूरी होता है, नहीं तो आदत बन जाती है हमें अपनी चीजों से, सामान से अपने आप को अटैच करने की। फिर हम सामानों से अपने आप को अटैच करते हैं, लोगों से अपने आप को अटैच करते हैं, पावर पोजीशन से अपने आप को अटैच करते हैं, अपनी कुर्सी से अपने आप को, अपने आप को मानना शुरू करते हैं, यही मैं हूं, लेकिन वो मैं नहीं हूं, वो हमारा रोल है सिर्फ। एक बाप ही संसार है, इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः बनते हैं। जो अकाल तख्त पर रह करके हर कार्य को देखते रहते हैं डिटैच होकर के, वही परमात्मा के तख्त में, उनके दिल के तख्त में बैठ सकते हैं। तो आपके अगर चाहते हैं कि आप भी परमात्मा के दिल तख्त पर बैठने लायक बने, तो अपना हर दिन का प्रैक्टिस करना शुरू करें। चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूँ, ये पति नहीं आत्मा है, ये बच्चा नहीं आत्मा है, ये बहू नहीं आत्मा है, ये बेटा नहीं आत्मा है, ये बेटी नहीं आत्मा है, ये घर नहीं है मेरा, ये टेम्परेरी घर है, ऊपर घर है मेरा, ये बिजनेस नहीं है मेरा, ये टेम्परेरी बिजनेस का रोल है मेरा, लेकिन मेरा मेन बिजनेस परमात्मा के साथ में है। ये चीजें अपने आप को समझाते रहें तो आपका कर्म बदलता रहेगा, आप और सोल कॉन्शियस होंगे, आपकी ये प्रकाश बढ़ता रहेगा और आप परमात्मा के दिल में बैठने लायक बन जाएंगे और आप डिटैच होकर के मुक्ति में जाने लायक बन जाएंगे। ओम शांति के साथ।